प्रेम में पगला है एक आशिक ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पुलिस को धमकी देकर पुलिस से पंगा ले लिया। इस युवक का मानना है कि टीआई की गाड़ी में वो बम फेंकेगा तो वो लड़की उससे शादी कर लेगी। आशिक का एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार तो टीआई की गाड़ी पर बम फेंकने वाली धमकी का वीडियो वायरल हो गया। जिस युवक ने बम फेंकने की धमकी दी है वो कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक का रहने वाला सौरभ गुप्ता बताया जा रहा है। वीडियो की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली टीआई अजय सिंह ने वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। युवक वीडियो में ये कहते दिखाई दे रहा है कि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस युवती से वो प्यार करता है उसने उसे टीआई की गाड़ी में बम फेंकने के लिए कहा है। अगर मैं थाने में टीआई की गाड़ी में बम फेंक दूंगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। सौती सेन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सौती ने कहा है कि अगर मैं थाने में टीआई की गाड़ी में बम फेंक दूंगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। मैंने बोला सौती मैं जेल चले आऊंगा, तो तू बोलती तू जेल जाने डरता है। मैंने नहीं नहीं सौती, अगर तू मुझसे प्यार करता है, सौती बोलती तू बम फेंक के दिखा मैं तेरी शादी कर लूंगी। मैं सौती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ टीआई को और एसपी को कि मैं अब आने वाले कुछ दिनों में सौती ने जो मुझसे कहा है मैं अपने सौती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने उसे वादा किया है। तो मैं आने वाले कुछ दिनों में टीआई की गाड़ी बम फेंक दूंगा और बस। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि आजाद चौक निवासी सौरभ गुप्ता, जिसके विरुद्ध स्वाति सेन ने एक छेड़छाड़ का मामला 2 साल पूर्व कायम कराया था, उसी बात को लेकर के वो एक तरफा उससे प्यार का इजहार कर रहा है और ये बता रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा। और स्वाति सेन ने मुझे कहा है कि यदि टीआई की गाड़ी में बम फेंक दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इस बात की स्वाति से पूछताछ कर पुष्टि करेंगे और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।